नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है, जिसका शीर्षक है संगति का असर। जैसी जिसकी संगति होगी, उसका आचरण, उसका व्यवहार उसी तरीके से होगा। अगर आपकी संगति, आपके साथ अच्छे लोगों का बैठना उठना है, तो आपका व्यवहार उसी तरह से होगा। और अगर आपकी संगति बुरी है, तो आपका व्यवहार, आपका आचरण भी वैसा ही होगा। तो ठीक इसी तरह से आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी को पूरा सुनिएगा और बच्चों को भी सुनाइएगा। आज मैं आपको एक बहुत महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की ट्रू स्टोरी बता रही हूँ, सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। एक बार आइंस्टाइन अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। आइंस्टाइन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टाइन से कहा, सर, मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए भाषण को याद किया है। आइंस्टाइन हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगले आयोजक मुझे नहीं जानते। आयोजक आप समझते हैं ना, आयोजक का मतलब होता है जो भाषण सुनने वाले श्रोतागण। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगले आयोजक मुझे नहीं जानते हैं, तो आप मेरे स्थान पर वहाँ पर बोलिएगा और मैं आपका ड्राइवर बनूँगा। ठीक है, सही। अगली बैठक में ड्राइवर जनाब जो थे वो मंच के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने भाषण देना शुरू किया, और वहाँ पर जितने भी उपस्थित विद्वान थे सब तालियाँ बजाने लगे। उसी समय एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर, क्या आप सापेक्षता के बारे में फिर से बता सकते हैं? अब जो असली आइंस्टाइन थे उन्होंने सोचा कि अब ये तो बड़ा बहुत खतरा आ गया, अब तो ड्राइवर साहब फंस जाएंगे, तो क्या होगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि ये असली आइंस्टाइन नहीं है। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वे हैरान रह गए। ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या इतनी आसान बात आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछिए, वो आपको बताएगा। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे, और मूर्खों के साथ ही सदा उठे बैठेंगे तो आपका मानसिक तथा बुद्धिमत्ता का स्तर भी और सोच भी उन्हीं की ही भांति हो जाएगी। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करिएगा, और हाँ, बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।